हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण, अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन, नहीं, ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध? वो भी जरासंध से? निश्चय ही महाराज। सावधान स्नातक, तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकारते हो? युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद युद्ध के लिए। महेश्वर साक्षी है ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी योद्धा को दंत युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। Oh!
राजकुमार जी, आपके पिता श्री महाराज जरासंध को मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। Thank you.
आप स्वयं को श्री कृष्ण के अधीन कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दो, मैं मरना नहीं चाहता मधुसूदन, मैं मरना नहीं चाहता। डरो मत पुत्र सहदेव, डरो मत। मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूं, तुम तो निरपराध हो। लो, आज से तुम मगध के सम्राट हुए। जाओ और जाकर अपने पिता के अंत्येष्टि का प्रबंध करो। महाराज युधिष्ठिर बहुत शीघ्र ही राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, उसमें तुम मगध के प्रतिनिधि होगे। जो आज्ञा प्रभु। जाओ जरासंध, मेरे सम्मुख मृत्यु होने के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हुए। मधुसूदन, अभी 86 बंदी सम्राटों को मुक्त करना शेष है। अवश्य। पुकार भगवान ने सुन ली है। इस अंधेरे कारागार में पहली बार प्रकाश की किरण देखने को मिली है। यह प्रकाश उन्हीं भगवान का है। लगता है वो आ गए। भगवान श्री कृष्ण की जय। 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 आप लोग अब स्वतंत्र हैं। पांडुपुत्र भीम ने महाराज जरासंध का वध कर दिया है। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी राजधानियों में लौट सकते हैं। आज से आप इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन हैं और शीघ्र ही महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें आप सबको आना है। भगवान, आप जैसे उपकारी के हाथों हमारे प्राण बचे हैं। हम अवश्य राजसूय यज्ञ में आपके दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जय। भगवान जरासंध का वध भीम ने किया है। हाँ। असंभव, ये मिथ्या है। जरासंध का वध भीम नहीं कर सकता। परंतु विदुर की सूचना तो यही है। यदि यह विदुर की सूचना है तो यह सत्य हो सकता है कि भीम ने जरासंध का वध किया है, परंतु वास्तव में इसका श्रेय तो श्री कृष्ण को ही जाएगा। आचार्य, ये तो उनकी कृपा है, जिस पर हो जाए। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयति गिरं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। तात सत्य कह रहे हैं आचार्य। श्री कृष्ण स्वयं जिसका साथ दें, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी तो यहां के लोग उनकी महत्ता को नहीं मानते। सूचना तो यह भी है तात
कि महाराज युधिष्ठिर स्वयं आपको प्रणाम करने यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, ये तो आनंद की सूचना है विदुर। पुत्र अपने पितामह से मिलने आए, इससे अधिक सुख का कार्य और क्या हो सकता है। वे आपसे आशीर्वाद मांगने आने वाले हैं। आशीर्वाद? वो किस लिए? क्या वो किसी अन्य राज्य की स्थापना करना चाहता है? नहीं दाद, वे राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आहा, क्या सुखद समाचार है विदुर। उत्तम, अति उत्तम। युधिष्ठिर का ये संकल्प हमारे कुल की गरिमा को और बढ़ाने वाला है। कई पीढ़ियों से हमारे कुल में कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जिसने राजसूय यज्ञ किया हो। मेरे शिष्य वीर पांडव तो निकले तात। निश्चय ही आपको अपने पुत्रों का आचार्य बनाते समय मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी आचार्य कि मेरे कुल में कोई राजसूय यज्ञ करने वाला निकलेगा। एक आचार्य होने के नाते आपको गर्व तो है ना? क्यों नहीं तात, एक आचार्य के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमें गर्व है, निश्चय ही हमें गर्व है। गांधारी जी महाराज, विदुर के पास इंद्रप्रस्थ राज्य का एक दूत आया है। किस लिए महाराज? कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए हमारी अनुमति मांगने आ रहे हैं। तो उसे अवश्य अनुमति दीजिए महाराज। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करे या दुर्योधन, कोई भी करे, यश तो कुरुवंश का ही बढ़ता है। आपको उसकी स्वीकृति देनी ही चाहिए और दुर्योधन को भी अपने भाइयों के इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाना चाहिए। शकुनी जी महाराज, मैं तो युधिष्ठिर के इस संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु युवराज दुर्योधन को तुम ही समझा सकते हो। अवश्य जीजाश्री, अवश्य समझाऊंगा। परंतु मामाश्री, हम यदि उनके उत्सव में गए तो हमारी परिस्थिति भी इंद्रप्रस्थ के राज के अधीन राजाओं जैसी होगी ना। देखो भांजे, दो ही रास्ते हैं, या तो युधिष्ठिर को सम्राट न मानो तो उससे युद्ध करो, जिसकी अनुमति ना तो पितामह भीष्म देंगे, ना गुरु द्रोण और ना तुम्हारे पिताश्री। इसका अर्थ तो यह हुआ मामाश्री कि हमने सहज में ही उनकी अधीनता को स्वीकार किया है जो बाल्यकाल से हमारे शत्रु है। नहीं भांजे नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। वो क्या? वो ये, 4 और 2 6। 6 भांजे 6। वो ये कि तुम्हें उनका छोटा भाई बनकर जाना होगा। एक दास की तरह? दास की तरह नहीं भांजे, दास की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह। अर्थात? अर्थात ये कि तुम भी उनकी यश और कीर्ति में उनके हिस्सेदार बनकर एक सुखद परमानंद का नाटक करो। नाटक? नाटक, सिर्फ एक नाटक, क्योंकि इस नाटक के साथ मेरी एक योजना जुड़ी हुई है। मामाश्री, फिर आपकी योजना? धीरज रखो भांजे, धीरज रखो। देखो, जरासंध की मृत्यु के बाद अब इस पूरे भरतखंड में कोई ऐसा गदाधारी योद्धा नहीं है जो गदा युद्ध में भीम को परास्त कर सके, केवल एक बलराम को छोड़कर। तो फिर ये कि एक न एक दिन तुम्हारा और पांडवों का युद्ध तो होना ही है। उस समय अर्जुन के बाणों का मुकाबला तो शायद कर्ण कर लेगा, लेकिन भीम की गदा से कौन टक्कर लेगा भांजे, कौन? तो फिर मुझे क्या करना होगा मामाश्री? बस, इस उत्सव में सम्मिलित होकर तुम्हें किसी तरह बलराम को फंसाना होगा।
देखो भांजे, कृष्ण तो चालाक है मगर बलराम भोला भाला है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे लेकर उसे अपना गुरु बनाना होगा। तो फिर समझो कि तुम्हारा काम बन गया। यदि बलराम ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण कर दिया तो समय आने पर भीम तुम्हारे सामने अपने आप घुटने टेक देगा। तो ये थी आपकी योजना मामाश्री? हाँ भांजे, यही मेरी योजना थी। वाह वाह, अति सुंदर अति सुंदर। निश्चय ही अति सुंदर भांजे, निश्चय ही। देखो भांजे, अपने युधिष्ठिर भैया के राजसू यज्ञ में चलने की तैयारी करो। जी मामाश्री। मेरा युधिष्ठिर भैया? हाँ भांजे हाँ। महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है। इस राज्यसभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के पश्चात ही सम्राट युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। विधान के अनुसार हमें सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो। मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्यपात नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। तात भीष्म के इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है। यह सत्य है, श्री कृष्ण ही इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष हैं, उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर यह राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। शांति रंतर शगुन शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ Yeah!
शिशुपाल, आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल, नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल, हाय, शिशुपाल। दाव भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को, और किसको, जो उसकी माता है, देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। देखो तो निर्लज को कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा दुष्ट। ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू कुल के कलंक? 96 हो गए। दम भी जालसाज 97 हो गए। धूर्त चांडाल 98। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99। पर पीड़क, धूर्त, चालाक, निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वह तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। देखो तो, गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा जा, जाकर अपने मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जा जाकर पूछ कर आ कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार, जा। बस शिशुपाल, बस, बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। Thank you.
जय दीनदयाल। अपने पार्षद जय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। तीन जन्मों के पश्चात आज तुम श्राप मुक्त हो गए। सो हे जय, तुम हमारे वैकुंठ लोक में जाओ। देखो, माता लक्ष्मी ने तुम्हें लिवाने के लिए दिव्य विमान भेजा है। जाओ, तुम्हारा कल्याण। तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ले जाओ। प्रवरो, आप लोग अपना कार्य पूरा कीजिए। चद्वं संगचद्वं संवदद्वं संवदद्वं संगोमनांसि जानतां संगोमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानुपासते सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् सभूमिगुं विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदेत् पुरुषाः पादोस्य हा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ अग्नये
इदम् अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय नमः ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदम् अंतरिक्षाय इदम् नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदम् नमः ॐ मेधाय स्वाहा मेधाय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा ॐ गौरीभिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवशी सहस्राक्षरा परमेव यो मन् पार्षदराज स्वर्ग में प्रवेश करने पर आपका स्वागत है मुनिराज सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए कल्याण हो तीन जन्मों के पश्चात आज तुमको ब्रह्म कुमारों के श्राप से मुक्ति मिली है इसके लिए तुम्हें बधाई हो मुनिराज कृपया ये तो बताइए कि कौन से श्राप से आज मुझे मुक्ति मिली है कौन से ब्रह्म कुमारों ने मुझे श्राप दिया था और क्यों सनत कुमारों ने सनत कुमार परंतु क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं नहीं तो शिशुपाल रूपी शरीर को छोड़कर ये पार्षद रूप धारण करते हुए तुम्हारी स्मृति कहीं बीच में तो नहीं खो गई दूसरे शरीर की स्मृति थी और वो कहीं खो गई ये मैं नहीं जानता मुझे केवल ऐसा लगा कि मैं लंबी निद्रा के बाद जागा हूं मैंने प्रभु को प्रणाम किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तीन जन्मों के पश्चात आज तुम्हें श्राप से मुक्ति मिली है और तुम वैकुंठ धाम चले जाओ मैं कुछ समझा नहीं परंतु प्रभु से प्रश्न करना धृष्टता होगी ये सोचकर चुपचाप उनके आदेश को स्वीकार करके विमान में बैठकर यहां चला आया अब आप भी मुझसे यही कह रहे हैं तो आपसे प्रश्न करने का साहस कर रहा हूं मुनिराज कृपया बताइए ये रहस्य क्या है रहस्य कुछ नहीं सब प्रभु की लीला है प्रभु की लीला कैसी लीला देखो प्रभु का अपना कोई निकट का संबंधी हो तो उसको शिक्षा देने के लिए वे वैसी ही लीला करते हैं और अपने सेवक के अंदर जो अहंकार का छोटा सा बीज मात्र भी देख लें, तो तुरंत उसकी चिकित्सा कर देते हैं अब देखो तुम्हारे मन में थोड़ा सा अहंकार हुआ और उन्होंने सनत कुमारों से श्राप दिला दिया नारायण नारायण मुनिराज कृपया पहलिया ना बुझाइए अपने इस सेवक की शंका का निवारण कीजिए कृपया बताइए ये सब कैसे हुआ अच्छा तो सुनाता हूं चलो स्वर्ग से बैकुंठ तक का लंबा रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही कथा सुनाकर तय करते हैं तो सुनो
तुम और विजय नाम के दो पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। बैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल्प बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। शेष शैया पर लेटे लेटे उन्हें तुम्हारे मन के भावों का ज्ञान हो गया। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। महात्मन, कहां जा रहे हैं? ये वैकुंठ धाम के अंतपुर का द्वार है। इस द्वार पर जय विजय का पहरा है मुनिवरो। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी धाम में जाने के लिए हमको भी अनुमति लेनी होगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, सब लोकों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। हम पार्षद हैं उनके। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? क्षमा करें श्रीमान, आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो और हम जैसे ब्रह्म कुमारों का मार्ग रोकने की भूल कर रहे हो। कुछ भी कहो ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति? अनुमति तुम लोग दोगे हमें? हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें सचिदानंद ने स्वयं हमें रोकने को कहा है? वे क्या रोकेंगे, वे तो स्वयं कोई संकल्प और विकल्प नहीं रखते। यह तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं, इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता, सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है पार्षदो। हमने आपको रोक कर कोई अपराध तो नहीं किया, फिर क्यों रुष्ट हो रहे हो मुनिवरों? नारायण नारायण। प्रभु की माया देखो, उन दिव्य बालकों के मन में काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो, उनके निर्विकार चित्त में क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा, और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। Krishna, 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 Krishna.